Of course. मैंने इससे पहले भी कई बार बनाया है तो कोई नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है. मुझे पता है कि मैं बहुत बहुत अच्छी शेफ हूँ. सेंटा देख रही हैं आप, तो आप बताइए ये और सेंटा के बारे में जो आप नज़र आ रहे हैं. यस सो हाउज़ माई हेयर बैंड. ये क्या है? मुझे पता है ये सेंटा है ना, मिनी सेंटा. व्हाट? ओके, तो अगर दुनिया में सेक्सी सेंटा होती वो कैसी होती, कैसी दिखती? बिल्कुल मुझ जैसी. एंड इसके अलावा 2020 आ रहा है, सो आपके ढेर सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं. सो वुमेन एम्पावरमेंट का आपका एक सिंगल आ रहा है जी, उसके बारे में जरा बताइए. एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म आप ला रही हैं. यस, बहुत ही बिजी रखने वाली आप अपने आप. एब्सोल्युटली. अपकमिंग प्रोजेक्ट जरा बता दीजिए कुछ आने वाले. अर्ली 2020 में मेरा खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, Z5 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. शुरुआत करूँगी मैं धमाकेदार प्रोजेक्ट्स के साथ, विच विल बी अवेलेबल टू ऑल द डिजिटल यूज़र्स एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. मैं चाहूँगी कि मेरा कॉन्टेंट बहुत ही इमोशनली कंपेलिंग हो, एट द सेम टाइम मेंटली स्टिम्यूलेटिंग हो. The quality of my content will be super high. मैं कहूँगी उत्तम से भी ऊपर, सर्वोत्तम. So that is the agenda for 2020. And OTT launch करने के साथ साथ मैं rap videos भी create करने वाली हूँ. इस साल मैंने 2 rap videos produce किए, वोट डाल कतार. अगले साल मैं release करूँगी अपना 3rd rap video, जिसका थीम है विमेन एम्पावरमेंट. एंड उसमें ख़ुद को फीचर करने के अलावा मैं कुछ जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड बॉलीवुड आर्टिस्ट्स को भी फीचर करना चाहूँगी, जो विमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखती हैं, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं, नारी शक्ति, नारी प्रगति के नारे लगाती हैं हर आए दिन अपने इंटरव्यूज़ में, अपने फिल्मों के ज़रिए, अपने बोल बचन के ज़रिए. जो शब्द वो अक्सर बोलते हैं उससे साफ पता चलता है कि हाँ वो विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल हैं. तो ऐसे शख्सों को मैं अपने आने वाले वीडियो में फीचर करना चाहूँगी. ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी.